घोर कलयुग है जनाब। यहाँ दोस्त ही दुश्मन है और दोस्त कब पीठ पर छुरा घोंप दे इस बात का अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। करनाल में दोस्त ने चाकू घोंप कर की दोस्त की हत्या। ये वारदात बीती रात लगभग 2:30 बजे की है, जब चार दोस्त आपस में शराब पी रहे थे। शराब के नशे में चूर चार दोस्त आपस में ही भिड़ गए और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने रवि की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक तो मौके पे मर गया, एक ये देख ही रहे आप चक्कू लग रहा है इसको, वो फरार हो गया चाकू, वो फरार है जी, वो तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। रजत है उसका नाम। उसका एक और रिक्वेस्ट है हमारी, उसका एक वो पासपोर्ट बना हुआ है, उसका भाई बड़ा बाहर गया हुआ है, वो कभी भी बाहर भाग सकता है। अगर आप में कोई थोड़ी ताकत हो मीडिया में तो उसके लिए उसका कोई ये पासपोर्ट वगैरह मंगा के उस पर कोई अंकुश लगाइए ताकि वो बाहर ना भाग सके। बाहर चला गया तो पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी उसका, ये तो आप समझते हो। उसके कोई अंकुश लगाओ उसके पासपोर्ट पे, क्योंकि उसका बड़ा भाई बाहर या विदेश में, उसको जम्बर जी बुला सकता है वो जी। पैसा ही तो खर्च करना है, पैसे में ये पीछे बैठे एजेंट बैठे हैं बहुत अपने करनाल में, सारे इंडिया में ही बैठे, कहीं से मर्जी चला जाओ बाहर, उस पर अंकुश लगाइए अगर आप लोगों की पहुँच है कहीं तक। हम खाना पीने का सामान बाहर लेने के लिए गए, दुकानें बंद पाई, तो उसके बाद आपस में इनकी बात चली इसकी रवि की और रजत की, तो इनमें आपस में बात चलने लग गई, तो दीपक को उसने गाड़ी दे दी जी, रवि ने जी, उसने क्या नाम रजत ने, रजत ने उसको गाड़ी देने के बाद तो रवि बीच में आ गया कि दीपक को गाड़ी मत दे, ठीक है। तो इतने में ही रजत ने अपना चाकू निकाला और उसके पेट में मार दिया जी। तो इनके बीच में मैं बढ़ गया, दीपक भी आ गया था जैसे बीच में, दीपक को मारने लगा वो, तो मैं इनके बीच में बढ़ गया, लेकिन उसने बाएं हाथ से पकड़ के उसके पेट में भी चाकू मार दिया। फिर मैंने उस पर चाकू छुड़वाया और रवि को हम हॉस्पिटल में। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने युवक की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रवि दो बच्चों का पिता था और दूसरा साथी जो बीच बचाव करने आया था उसको भी पेट में चाकू लगा, वो भी घायल है। चार साथी आपस में ड्रिंक कर रहे थे रात को, और दो की आपस में कोई किसी बात को लेकर कया सुनी होगी, उसने एक लड़के तारा नाम के लड़के को चाकू मार दिया रजत ने, जहाँ उसकी यहाँ हॉस्पिटल में जाते समय डेथ हो, तो उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है, अब वो उसकी तलाश कर रहे हैं जोर जोर से घर पर, जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। दीपक नाम का लड़का है, उसे भी चाकू मारा है उसने। हाँ, एक लड़के को थोड़ा चाकू और लगा है, मामूली चोट है वो, उसने भी उसको भी मारा है छुटवाते समय। प्रथम जांच में क्या सामने आया, आपस में किसी बात को लेकर क्या सुनी होगी, उसमें चाकू मार दिया। जो चश्मदीद है वो भी फिलहाल मौजूद है परिवार के साथ, मौजूद है परिवार के साथ। दो लड़के और हैं जिन्होंने बताया है, एक तो वो दीपक जिसको चाकू लगा है, एक दूसरा लड़का है वो साथ ही है, उन्होंने छुड़वाया। कोई रंजिश नहीं, पहले आपस में दोस्ती। रजत फरार है सर, रजत फरार है। सिटी थाना प्रभारी सुल्तान सिंह ने बताया कि जल्द ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि पुलिस हत्यारे दोस्त को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।